कोरोना की दूसरी लहर कम होते ही मुंबई में बीएमसी ने ब्रेक द चेन मुहिम के तहत नई गाइडलाइंस जारी की है। क्या है ये नई गाइडलाइंस, देखिए संवाददाता मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट में। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मुंबई सहित महाराष्ट्र में लगे लॉकडाउन के बाद अब महाराष्ट्र सरकार ने ब्रेक द चेन की प्रक्रिया शुरू की है, यानी आंशिक तौर पर अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की है, जिसके तहत अन्य दुकानों को भी अब खोलने की इजाजत दी जा रही है। इसके पहले सिर्फ अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़ी हुई दुकानें सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक खुलती थी, अब इसमें बदलाव किए गए हैं। अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़ी हुई दुकानें 7 बजे से लेकर 2 बजे तक खुली रहेंगी और मेडिकल की दुकानें 24 घंटे खुली रह सकती हैं। अब ये ब्रेक द चेन क्या है, ये लोगों को काफ़ी कन्फ्यूज कर रहा है, क्योंकि जो नया नियम आया है उसके मुताबिक सड़क के दाईं ओर और सड़क के बाईं ओर का नियम लोगों को फॉलो करना है। नियम क्या कहता है, सड़क के बाईं ओर की जो दुकानें हैं वो सप्ताह के सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी और दाईं ओर की दुकानें मंगलवार और गुरुवार को खुलेंगी। और अगले हफ्ते, एक हफ्ता पूरा होने के बाद दूसरे हफ्ते में ये उल्टा हो जाएगा। सड़क के दाईं ओर की दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी, जबकि बाईं ओर की दुकानें मंगलवार और गुरुवार को खुलेंगी। इस प्रकार से यानी 14 दिनों के, दो सप्ताह के 14 दिनों में 5-5 दिन का दुकान खोलने का मौका दुकानदारों को मिलेगा। अब लोगों में काफ़ी कन्फ्यूजन है। आप देखिए, विले पार्ले के इरला मार्केट की ये तस्वीर है। सड़क के एक छोर की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कुछ दुकानें खुली हैं, कुछ दुकानें बंद हैं। अधिकतर लोगों को यह सूचना नहीं है कि क्या आज के दिन दुकान खोलनी है या कल के दिन दुकान खोलनी है। कुछ लोग अपने दुकानों के बाहर जमा तो हुए हैं लेकिन उन्हें उचित जानकारी नहीं मिल रही है। कुछ जगहों पर कर्मचारियों की भी दिक्कत है, क्योंकि लंबे लॉकडाउन के दौरान कई कर्मचारी अपने गाँव की ओर चले गए थे। तमाम दिक्कतें हैं। एक और नियम है कि शनिवार और रविवार को सभी दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी, सिर्फ अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़ी हुई दुकान ही खुली रहेगी, यानी कि किराना की दुकान हो, मेडिकल की दुकान हो, यही शनिवार और रविवार को खुली रहेंगी, बाकी दुकानें बंद रहेंगी। तो आप देखिए, बहुत सारे जो दुकान मालिक हैं वो आपस में चर्चा कर रहे हैं कि उनके एसोसिएशन की तरफ से क्या जानकारी आई है, बीएमसी की तरफ से क्या जानकारी आई है। एक लगभग 45 दिन के लॉकडाउन के बाद आज से ब्रेक द चेन शुरू किया गया है, किस तरह से देखते हैं सरकार के इस फैसले को? अभी ये फैसला काफ़ी हद तक क्लियर नहीं हो रहा है। जैसे कि इसमें बताया गया है कि मंडे, वेनसडे और फ्राइडे राइट साइड की दुकानें खुलेगी और अदर ट्यूसडे और थर्सडे वो लेफ्ट साइड की। सो वो राइट लेफ्ट का डिफरेंस अभी तक क्लियर नहीं है कि विच साइड इज राइट, विच साइड इज लेफ्ट। सो हम गवर्नमेंट से ये बस रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो ये चीज़ भी क्लियर कर दे। 45 दिनों बाद दुकानें अब खुल रही हैं, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं आप लोगों के सामने? आपके कारीगर शायद कर्मचारी नहीं होंगे, कुछ कंफ्यूजन होगा दाएं बाएं का, क्या दिक्कतें आ रही है? सर, स्टाफ तो है नहीं। हाँ, स्टाफ का काफ़ी दिक्कत है जी, और बिकॉज ऑफ काम नहीं हुआ है तो फिर थोड़ा कंफ्यूजन भी है कि भाई क्या खुले क्या नहीं खुले, और जो बेसिकली टाइमिंग दिया हुआ है तो ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे काफ़ी दिक्कत है। सभी स्वागत कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं जो लोगों के मन में सवाल हैं वो बीएमसी या सरकार द्वारा स्पष्ट होना चाहिए कि नियम क्या कहता है, आसानी से उसका पालन किया जा सके। जैसे मैं कैमरे को देख रहा हूँ, ये मेरे बाईं तरफ का हिस्सा है, ये मेरे दाईं तरफ का हिस्सा है, लेकिन जैसे ही मैं 180 डिग्री घूमता हूँ ये जो दिशा है वो बदल जाती है। तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न है कि किस तरफ की दुकान सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी, कौन सी दुकानें मंगलवार और गुरुवार को खुलेंगी। लेकिन लोग स्वागत भी कर रहे हैं कि कम से कम सरकार ने इस बारे में सोचा कि केस कम होते ही अब दुकानों को खोलने का फैसला लिया है। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मुंबई। तो महाराष्ट्र में अभी भी एक दिन में 15,000 से ऊपर केसेस आ रहे हैं, लेकिन इस सब के बीच मुंबई में पाबंदियों में थोड़ी ढिलाई बढ़ती जा रही है। लेकिन जैसे कि आपने मृत्युंजय की रिपोर्ट में देखा कि दुकानदारों के बीच उसको लेकर अभी भी कुछ कंफ्यूजन बना हुआ है। इसी खबर के साथ वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौट रहे हैं, खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।